हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है एक न्यू अमेजिंग वीडियो में। वैसे अभी शादियों की सीजन चल रही है और आप सबको तो पता ही है कि अगर शादी हो और उसमें कोई कांड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर शादी में कुछ ना कुछ फन जरूर होता है, लेकिन कई बार मजाक लोगों को भारी भी पड़ जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही फनी शादियों के फनी सीन दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको मजा आ जाएगा, यानी कि आपका दिन ही बन जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शादी में वरमाला पहनाते समय दूल्हा और दुल्हन काफी ज्यादा नाटक करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो को ही देखिए। लो निकल गया सारा टैलेंट भाई, दूल्हे की होशियारी तो दूल्हे पर ही भारी पड़ गई। इतने लोगों के सामने बेचारे की इतनी इंसल्ट जो हो गई, लेकिन यार इसमें दुल्हन की भी क्या गलती है। दूल्हा तो अपने आप को लॉर्ड गवर्नर समझ रहा था, लेकिन इसकी तो सारी हवा ही निकल गई, क्योंकि दुल्हन ने शादी से पहले ही दूल्हे राजा को जमीन जो चटा दी। देखो शादी हो और हर बार मजाक हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी दूल्हा दुल्हन थोड़े सख्त भी तो होते हैं ना यार, सब किस्म के होते हैं। अब जरा आप इन दूल्हे राजा को ही देखिए, मतलब यार दूल्हे राजा ने तो मौज ही कर दी। दुल्हन ने थोड़ी मजाक किया कि दूल्हे राजा ने तो सीधे पास वाली को ही माला पहना दी। भाई इसको बोलते हैं सख्त दूल्हा, लेकिन यार लगता है पास वाली को शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए माला वापस निकाल दी। अरे पगली पहन लेती दूल्हे की दो दो दुल्हनियाँ हो जाती, और फिर वो पूरी जिंदगी चिल करता। भाई जरा इस डोंगरमल को तो देखो, लो आ गया स्वेग। नहीं मतलब बिचारी बीवी साइड में खड़ी है, तो इसका मतलब दूसरी औरत के साथ मजा मारेगा। वो तो अच्छा हुआ कि बस डांस ही किया, कुछ और नहीं किया, वरना इसकी बीवी यहीं पर इसका सारा मोटापा झाड़ देती। वैसे कई बार शादी के टाइम पर बारिश आ जाती है और शादी का सारा मजा खराब ही हो जाता है, लेकिन अगर दोस्त और रिश्तेदार ऐसे हों तो फिर दिक्कत की कोई भी बात नहीं है गुरु। मतलब यार छाते लेकर ही नाच रहे हैं, वाकई में घोर कलयुग आ गया है। ये लोग तो घर से ठान कर निकले हैं कि चाहे बाढ़ आए चाहे बादल फटे, लेकिन दुल्हन को तो लाकर ही मानेंगे। और हाँ, इन सब को देखकर तो दूल्हे राजा बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे कि क्या रिश्तेदार दोस्त पाए हैं मैंने। आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कई वीडियो देखे होंगे जिनमें दूल्हा दुल्हन को जेसीबी के अंदर घुमाते हैं, क्योंकि शादियों में अभी जेसीबी का ट्रेंड जो चल रहा है, और इसी का एक चलता फिरता उदाहरण ये है। लगता है जेसीबी वाला भूल गया था कि वो अभी शादी में है, तभी तो ये हाल है। और वैसे भी ये गिरे हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि इनके हाथ पे टूट ही गए होंगे। और मुझे तो लगता है कि अब दोनों को व्हीलचेयर पर ही बिठाकर शादी करनी पड़ेगी। बेचारे बूढ़े लोग ठीक ही बोलते हैं कि अपने पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से शादी कर लो, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं है यार। लो झेलो अब, जरा इन काले कबूतरों को तो देखो यार, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने आए हैं। लो मन गई वेडिंग एनिवर्सरी। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब होने के बाद ये लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी वेडिंग एनिवर्सरी भी मनाएंगे। लेकिन यार एक बात मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। जरा आप इन लोगों को ध्यान से देखो, ये कम से कम 13 से 14 लोग हैं, लेकिन ये जो लेडीज हैं ये सिर्फ 9 ही हैं। तो यार बाकी 4 और कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 जेंट्स के बीच में एक ही, मतलब यार एक बात बता रहा हूँ, चलो छोड़ो यार, जो भी है इनके बीच का मामला है, अपने क्या काम यार।
अरे यार हद हो गई, बेचारे दूल्हे भाई तो अपने मुंह को बस लंबाई करते रह गए। उनको लगा कि मैडम जी हमें भी एक पप्पी शप्पी देंगी, लेकिन भाई यहाँ पर तो खेल ही बदल गया। चलो हुआ जो हुआ, लेकिन उसके बाद अपने दूल्हे राजा इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। लेकिन भाई ये शादी है शादी, और शादी में तो सभी लोगों की नज़र बस दूल्हे और दुल्हन पर ही होती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर ये दूल्हे राजा गुटका खाकर आ गए थे, तो फिर क्या, आप ही देखिए आगे क्या हुआ। हाँ काजी, अखंड मुंह में धरने से गुटका गुटका चल जाओगे मंडप पर सर। गुटका फेंकिए हूँ, फेंको गुटका। इसे बोलते हैं औरत का खौफ। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ दोनों की शादी हो रही है, इसमें भी मतलब दुल्हन इतनी पावरफुल है कि दूल्हे राजा को गुटका थूकने के लिए शादी के बीच से ही उठा दिया। तो सोचो शादी के बाद ये औरत इस दूल्हे की क्या हालत करेगी भाई। चलो यहाँ तक तो सारे सिंपल लोग थे, लेकिन भाई अब देखो सरकारी नौकरी का कमाल। जी हाँ, ये सरकारी नौकरी का एक चलता फिरता उदाहरण है। भाई इस फोटो को देखकर तो मुझे लगता है कि अब यार हम सबको सरकारी नौकरी पकड़ ही लेनी चाहिए। और हाँ, उदाहरण यही नहीं, एक और है। अब यार नौकरी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब इस फोटो को देखकर तो लगता है कि मुश्किल है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन भाई नौकरी तो जरूर करेंगे, ताकि हमें भी कोई ऐसी ही राजकुमारी मिल जाए। वैसे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी तो लगी ना, वैसे अच्छी क्यों नहीं लगी होगी यार, वीडियो में इतने हाई पावर दूल्हा दुल्हन जो थे। तो भाई अगर हाँ सच में अच्छी लगी हो और हंसी आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा कमेंट भी कर दो। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि आगे आने वाली और वीडियोस भी तो देखनी है ना। तो जल्दी से इस रेड बटन को दबा दो, जो भी इसके साथ करना है वो कर दो। तो भाइयों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।